चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। इट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13.13/2 आवर्स। वॉट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बोट है वो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है और फिर 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है और जो टोटल टाइम उन्हें लगता है वो कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। ठीक है, वही बोट अगर 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 55/2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम कर लेती है, 13/2 आवर्स। तो हमें बताना है कि वॉट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कहने का मतलब क्या फाइंड करना है हमें, y फाइंड आउट करना है। अगर हमने y फाइंड आउट कर लिया तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास x भी आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। इक्वेशंस क्या बनने वाली है हमारे पास, अ बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। टाइम गिवन है हमारे पास 5 आवर्स। ये टाइम हम बोल लेते हैं दिस टाइम इज T1। ठीक है, दूसरा टाइम हमारे पास कितना गिवन है, T2। सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम मान लेते हैं T2 विच इज 13/2 आवर्स। कितना, 13/2 आवर्स। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 घंटे में वो चलता है। ठीक है, तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम रहेगा हमारे पास वो T1 + T2 करके लिखना पड़ेगा हमें। TA मान लेते हैं प्लस TB। TA मतलब 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टाइम जो लगेगा वो TA, प्लस 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए जो टाइम लगने वाला है वो TB। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगने वाला, TA प्लस TB विच इज 5 आवर्स। ठीक है, तो TA कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सबसे पहले वो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 15 किलोमीटर। अपस्ट्रीम जाने का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई। हमने नोटेशन पढ़ लिए थे पहले और हमें ये पता है अपस्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, वेयर एक्स इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड वाई इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, TB, वॉट इज TB, आफ्टर कंप्लीटिंग 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इट स्टार्ट्स डाउन स्ट्रीम एंड कंप्लीट 22 किलोमीटर। हाउ मच किलोमीटर, 22 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। वी नो दैट इन डाउन स्ट्रीम वी हैव द स्पीड ऑफ x plus y किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली फॉर दिस केस, फॉर केस नंबर 2, वॉट वी हैव, T2 इक्वल टू केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2। T2 हमारे पास कितना है, 13/2। यहाँ पे T1 कितना है हमारे पास, 5 आवर्स। यहाँ पे T2 कितना है, 13/2। कितना है, 13/2। यहाँ पे पहली कंडीशन के लिए यहाँ पे हम इसे अपस्ट्रीम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं TU, इसे लिख सकते हैं TD। क्या लिख सकते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन होगा थोड़ा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसे TU + TD। टोटल टाइम 5 आवर्स, टाइम इक्वल टू जितना अपस्ट्रीम में टाइम लगा, जितना डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा, दोनों को एडअप कर देंगे तो 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे में वो अपस्ट्रीम भी चल लिया 15 किलोमीटर और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी चल लिया, मतलब अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम। सिमिलरली यहाँ भी अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम इज 20 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, सो दिस इज 20 एंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम इज x - y। सिमिलरली डाउन स्पीड टाइम इज वॉट, 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55/2 किलोमीटर
डाउनस्ट्रीम एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज एक्स प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज एक्स प्लस वाई. सो वी हैव टू इक्वेशंस हियर, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. समझ लेते हैं एक बार फिर से. क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास टोटल टाइम गिवन है, ठीक है. टोटल टाइम अगर हम अप स्ट्रीम से चलते हैं 15 किलोमीटर और हम डाउन स्ट्रीम पे जाते हैं 22 किलोमीटर, तो हमारे पास कितना टाइम लगने वाला है, 5 घंटे. अगर हम उसी बोट को ले जाते हैं 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से, तो उसे टाइम कितना लगता है, 13/2 आवर्स. मतलब हमारे पास टाइम गिवन है टोटल अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम का एडअप कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा. सिमिलरली सेकेंड केस में भी हम लोग क्या करेंगे, अप स्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू द टोटल टाइम, ठीक है. हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन, ठीक है. हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टू है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में. इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे तो ये 13/2 से 13 हो जाएगा और हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 13, ये 40 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 55 बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है. इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये 13/2 है तो हमें 2 को हटाना है. नहीं भी हटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं पॉइंट में आंसर आएगा. तो हम लोगों ने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है. ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है. हम लोग क्या करते हैं, सपोज 1/x - y इज इक्वल टू a एंड 1/x + y इज इक्वल टू b मान लेते हैं, ठीक है. सपोज कर सकते हैं हम तो कुछ भी. ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर वन क्या आ जाएगी, 15 ए, 15 ए प्लस 22 बी. इक्वेशन टू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13 इक्वल टू 40 ए प्लस 55 बी. अब हम लोगों को पता है अगर लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी रहती, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी दो वेरिएबल में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं. मान लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5 का और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, ठीक है. ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी फिर, ये इक्वेशन आ जाएगी 5 5 से 25, 15 5 से 75 ए प्लस 110 बी. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 26 इक्वल टू 80 ए, 80 ए प्लस 110 बी.
अगर हम इक्वेशन वन में से दिस इज इक्वेशन थर्ड दिस इक्वेशन फोर, अगर हम इक्वेशन फोर में से माइनस कर देंगे इक्वेशन थ्री को तो क्या होगा, हमारे पास वन इक्वल टू फाइव आ जाएगा और ए इक्वल टू वन बाय फाइव। ए कितना आ गया, वन बाय फाइव। अगर ए हमारे पास वन आ गया, वन बाय फाइव आ गया, तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड या फोर्थ किसी में भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है, हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25, ए की जगह 1 बाय 5 तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 110 बी, ये कितना आ जाएगा 1 बाय 11, बी इक्वल टू 1 बाय 11। ठीक है, अब ए कितना है हम लोगों के पास 1 अपॉन एक्स माइनस है, बी कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस है। हम लोग क्या करेंगे, ए की प्लेस पर क्या रख देंगे, ए की प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे, वन अप ए की प्लेस पर हम लोग रख देंगे एक्स माइनस वाई, ए की प्लेस पर रख देंगे वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बाय 5। सिमिलरली बी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी है, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी है हम लोगों के पास, ये कितना आ जाएगा 1 बाय 11। इससे क्या आया, एक्स माइनस वाई कितना आया 5, कितना आ गया 5, यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ गया हम लोगों के पास 11। दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन सब्सट्रैक्टेड बाय दिस इक्वेशन, अगर हम किसी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वाई आ गया है तो हमारे पास एक्स भी आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, सो मेन मोटो हम लोगों का रहता है ये इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब इसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप से भी इक्वेशन बनेगी, मान लो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के टर्म में इक्वेशन बनेगी, तो हम लोग उसे ए और बी या एक्स वाई किसी भी वेरिएबल में हम लोग उसे कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए चूज़ किया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी चूज़ किया, इक्वेशन हमारी ईजी हो गई, हम लोगों ने इतने जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाली, उसे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से कंपेयर किया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों इक्वेशन आ गई। अगर हमसे वो एक्स पूछता एग्जामिनर तो हम लोग दोनों को सिंपली एड अप कर देते और आंसर निकाल लेते, लेकिन उसने हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, स्पीड ऑफ करंट, तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वेशन दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है थोड़ा। अगर हमने हमसे क्या पूछा है, वाई पूछा है, अगर हमने इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस किया तो 2y इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। क्लियर, अब हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ऑन अ रिवर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, क्या बोल रहा है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। ये एक रिवर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। क्लियर, उसके बाद क्या बोल रहा है, अ बोट कैन गो फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 12 hours। ठीक है, एंड फ्रॉम पी टू आर इन 16 hours इन 40 minutes, हाउ लॉन्ग इट टेक टू गो फ्रॉम आर टू पी। मतलब एक क्यू पॉइंट है, वो पी और आर दो पॉइंट के मिडिल वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अ बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू
एक बोट जाती है पी से क्यू तक और दोबारा लौट के आ जाती है 12 घंटे में, ठीक है, एंड फ्रॉम पी टू आर इन 16 आवर्स। मतलब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल डी, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं स्मॉल डी, क्यू इस मिड पॉइंट है, तो पी से क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी है डी, तो क्यू से आर के बीच में भी डिस्टेंस कितनी रहेगी डी रहेगी, क्यों, क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स पी एंड आर, क्लियर है। अब सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहले उसने क्या किया, पी से क्यू तक गया और क्यू से दोबारा लौट के आया पी तक, ये पी से क्यू तक गया दोबारा लौट के आया पी पर, पी से क्यू गया कितना टाइम लगा इसे 12 घंटे, इस पूरे प्रोसेस में इसे कितना टाइम लगा, टाइम टेकन 12 घंटे, 12 आवर्स लगे इसे, एंड फ्रॉम पी टू आर इन 16 आवर 14 मिनट। अगर वो सीधे कंटिन्यूसली चलता है पी से आर तक, कहाँ तक, आर तक, अगर वो कंटिन्यूसली पी से आर तक चलता है उसे कितना टाइम लगता है 16 घंटे 40 मिनट, 16 घंटे 40 मिनट लगता है उसे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन रहेगी, मतलब वो फ्रॉम पी टू क्यू रहेगी या फिर फ्रॉम आर टू पी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन देख के हमें डायरेक्टली कहीं ऐसा पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है। और हम लोग बहुत से लोग ये गलती कर देंगे, हम सोचेंगे कि यार चलो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं, आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कर देंगे कि किसी भी डायरेक्शन में ले लेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, इस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है पी से क्यू तक और पी से आर तक, ठीक है। मान लेते हैं हम कि हमने डायरेक्शन ली है पी से आर, ठीक है, तो पी से क्यू तक और पी से क्यू तक, ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर हम लोग वो देखेंगे कि अप डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं, ठीक है, वाटर फ्लो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है वाटर का फ्लो, ठीक है, अगर वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो पी से क्यू तक दोनों को सेम टाइम लगेगा, पी से क्यू तक इस केस में, पी से क्यू तक इस केस में दोनों को सेम टाइम लगने वाला है, क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड कुछ पर्टिकुलर स्पीड रहेगी और P से R तक जब जाएगा तब भी उसकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड रहेगी, दोनों स्पीड सेम रहने वाली है, क्लियर है। अगर मान लेते P से Q तक वो अपनी X की स्पीड से गया तो P से Q तक यहाँ भी वो अपनी X की स्पीड से जाएगा, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगी, Y की स्पीड, मतलब यहाँ से यहाँ तक P से Q तक उसकी स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम, P से Q तक यहाँ भी उसकी स्ट्रीम रहेगी, स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन बात आती है यहाँ पे Q के बाद क्या, Q पर पहुँचने के बाद क्या, मान लेते हैं वो Q पे पहुँच गया, फर्स्ट केस में उसको क्या करना है, दोबारा P पे लौटना है, दूसरे केस में उसे क्या करना है, R तक जाना है। अगर हमने ये मान लेते हैं कि Y की डायरेक्शन या स्ट्रीम की डायरेक्शन अगर P टू R है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से भी डाउन स्ट्रीम रहेगा, यहाँ से भी डाउन, यहाँ से अप स्ट्रीम रहेगा, ठीक है, क्योंकि Q से R तक जो वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है Q से R तक, तो यहाँ पे क्या, ये डाउन स्ट्रीम रहेगा। इतने पोर्शन में अगर हमने ये मान लिया कि डायरेक्शन Y है, डायरेक्शन राइट साइड है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ से P से Q तक दोनों केसेस में आने में टाइम सेम ही लगेगा, ठीक है, मान लेते हैं 10 घंटे यहाँ से P से Q तक आने में लगे हैं तो 10 घंटे P से Q तक यहाँ भी आने में लगेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में P से Q तक कंडीशन सेम रहने वाली है, क्योंकि P से Q तक अगर हमने मान लिया कि Y इज़ द जो Y करंट की डायरेक्शन है, वाटर करंट की डायरेक्शन है, वो P से R है, तो यहाँ से भी P से R फ्लो होगा पानी, यहाँ से भी P से Q तक I डायरेक्शन में फ्लो होगा पानी, क्लियर है। लेकिन बात आती है Q के आगे क्या, अगर Q से
पी तक अगर हमें आना है इस केस में, तो क्या होगा, अगेंस्ट द फ्लो आना पड़ेगा। हमने क्या एज्यूम किया पहले कि जो वाई है स्पीड ऑफ वाटर और द स्पीड ऑफ वाटर करेंट, अगर वो पी से क्यू तक जाने वाला है तो हमें क्यू से पी आना है तो हमें अगेंस्ट वाटर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो बोट की रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी और जो वाई की स्पीड रहेगी वो राइट डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है? तो इस केस में यहाँ पे जो रहेगा वो अपस्ट्रीम हो जाएगा, ये स्पीड होगी अपस्ट्रीम और ये होगी डाउनस्ट्रीम। और हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम अगर स्पीड है तो हमें टाइम कम लगने वाला है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस सेम है डी है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब स्पीड का जो रेशो रहेगा वो इन्वर्स रहेगा टाइम के रेशो से। अगर हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा रहती है तो जो टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम में, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज ऑलवेज लेस देन टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब वो पी से क्यू तक चलता है तो उसे टोटल हमें 12 घंटे लगते हैं पी से रिटर्न पी पे आने में। ठीक है, यहाँ से पी से यहाँ पी चला और यहाँ से वो चला पी से आर तक। ठीक है, दोनों ही केस में मान लेते हैं हम लोग हमारे पास 12 घंटे हैं और 16 घंटे 40 मिनट है। मान लेते हैं कि हम पी से क्यू तक पहुँचते हैं 10 घंटे में। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं हम पी से क्यू तक दोनों का टाइम तो सेम रहेगा। अगर स्ट्रीम इस भी डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो भी दोनों को क्यू तक पहुंचने में टाइम तो सेम रहेगा। कंडीशन चेंज किसके बाद होगी? क्यू पर पहुंचने के बाद। क्यों होगी? क्योंकि क्यू से एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मतलब एक जा रहा है अपनी इनिशियल पोजिशन की तरफ, एक जा रहा है अपनी इनिशियल पोजिशन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो हम समझने के लिए मान लेते हैं कि उसे P से Q तक जाने में 10 घंटे लगे हैं। ठीक है, 12 में से 10 घंटे उसे P से Q तक जाने में लगे हैं। ठीक है, और 10 ही घंटे उसको P से Q तक यहाँ में इस चीज़ में आने लगे हैं, P से R तक जाने में उसे टोटल P से R तक जाने में उसे टोटल 16 घंटे लगे हैं। तो मान लेते हैं P से Q तक उसे आने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। मान लेते हैं 10 घंटे लगे एग्जाम्पल के तौर पर, डाटा गलत हो सकता है। तो क्या कहते हैं, पी से क्यू तक आने में उसे 10 घंटा लगा इस केस में, पी से क्यू तक आने में उसे 10 घंटा लगा इस केस में। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उसे 2 घंटा ही लग रहा है वापस आने में, उसे क्यू से पी तक आने में उसे 2 घंटा लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में आने में उसे बस 2 घंटे लग रहे हैं। इट टेक ओनली 2 आवर टू गो फ्रॉम क्यू टू पी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में उसे जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे 40 मिनट। पर ये तो टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है, तो ये जो ज़्यादा वाला टाइम रहेगा वो किस चीज़ के लिए है? वो अप स्ट्रीम के लिए रहेगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में टाइम उसे ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो वाली डायरेक्शन कौन सी रहेगी, अप स्ट्रीम वाली स्पीड रहेगी उसकी। तो हमने जो एज्यूम किया है वो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का अगर रेशो लेंगे तो वो क्या आएगा, 6 आवर एंड 40 मिनट डिवाइडेड बाय 2 आवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टाइम कम होना चाहिए अपस्ट्रीम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्पीड का रेशो है वो इन्वर्स हो जाता है टाइम के रेशो से, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, एज्यूम रॉन्ग किया। इसका क्या मतलब है, हमें अपनी कंडीशन रिवर्स करनी पड़ेगी। पहले हमने क्या सपोज किया था, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट थी, अब स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट, y किलोमीटर पर आर। क्लियर? अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया है कि स्ट्रीम की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, पी टू आर रहेगी या आर टू पी रहेगी। ठीक है, तो हमें पता है अब कि क्या कहते हैं, डायरेक्शन वाई की और करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट रहने वाली है। टोटल टाइम हमें कितना पता है, 12 घंटे। 12 घंटे कौन सा टाइम है,
बोट पी से क्यू तक आती है और क्यू से दोबारा पी तक चले जाती है, ठीक है। मान लेते हैं स्पीड डी है, ठीक है, तो टोटल टाइम हमें कितना लगने वाला है, 12 आवर्स, ठीक है। पहले केस में हमारे पास टाइम कितना लगने वाला है, टोटल 12 घंटे। 12 घंटे किस लिए लगेंगे, हमें आना है पी से क्यू तक और क्यू से पी तक आने में 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, T1 + T2, पी से क्यू तक आने में टाइम प्लस क्यू से पी तक जाने में टाइम, दोनों टाइम सेम नहीं रहेगा। हमारे पास क्या है, टोटल टाइम गिवन है पी से क्यू तक और क्यू से पी तक दोबारा जाने में कितना है, 12 आवर्स। टोटल टाइम कितना रहेगा, टाइम टेकन फ्रॉम पी टू क्यू प्लस क्यू टू पी, टाइम फ्रॉम पी टू क्यू प्लस टाइम फ्रॉम क्यू टू पी। अब हमें डायरेक्शन का पता लग गया है कि फ्लो ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब पी से क्यू है तो अप स्ट्रीम है, पी से क्यू है तब अप स्ट्रीम, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, अप स्ट्रीम है। टोटल डिस्टेंस मान लिया था हमने डी, अप स्ट्रीम है मतलब x माइनस वाई। जब वो क्यू से पी पर जाएगा दोबारा तो दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या होगा, ये होगा डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। एंड फ्रॉम P टू R पूरा क्या रहेगा डाउन अप स्ट्रीम रहेगा, क्यों, P से R जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा राइट साइड, और जो करंट का डायरेक्शन है वो है लेफ्ट साइड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, तो ये केस बन जाएगा अप स्ट्रीम का। टाइम कितना दिया, 16 आवर्स एंड 40 मिनट, मतलब 16 2/3 इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, 2d बाई डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे कहीं मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, डी प्लस डी 2d। पूरा क्या है केस अप स्ट्रीम का है, x माइनस वाई, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, 50/3 इक्वल टू 2d अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से हम d अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, d अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/3 इक्वल टू d अपॉन x माइनस वाई, d अपॉन x माइनस वाई, क्लियर, d अपॉन x माइनस वाई। ये है हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये d अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू 25/3 हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू d अपॉन x माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे, 25/3 प्लस d अपॉन x प्लस वाई, d अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/3, d अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू 11/3 आ गई। हाउ लॉन्ग इट टेक टू गो फ्रॉम r टू p, PQR d स्ट्रीम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हाउ
लॉन्ग इट टेक टू गो फ्रॉम आर टू पी, आर टू पी मतलब आर टू पी बोल रहे हैं मतलब इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया डी अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर टाइम डी है और डाउन स्ट्रीम में जाना है तो हमें 11/3 टाइम लगेगा, 11/3 आवर्स इतना टाइम लगने वाला है हमें, ठीक है। अब हमसे पूछा है टाइम टेकन टू गो फ्रॉम आर टू पी, आर टू पी मतलब डाउन स्ट्रीम, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, हमें आर से पी जाना है तो लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है डी डिस्टेंस के लिए डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 2D के लिए कितना हो जाएगा, D के लिए पता है तो 2D के लिए कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 भाई। D के लिए हमें पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x प्लस वाई मतलब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, दिस इज टाइम। अगर D डिस्टेंस के लिए टाइम इतना है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा, 2D के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो 2D के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, अगर ऐसा कैलकुलेट नहीं करना तो डायरेक्ट हम बेसिक से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट, स्पीड कांस्टेंट है तो D1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन T2। डिस्टेंस हमारे पता, हमें पता है कितनी है, डी है। जब डी है तो टाइम कितना है हमारे पास, 11/3। जब डिस्टेंस 2D हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, T2 कितना हो जाएगा, 22/3 विच इज इक्वल टू 7/1/3 विच इज इक्वल टू 7 hours and 20 minutes, 7 hours 20 minutes, ठीक है। आर से पी आने में 7 hours 20 minutes लगेंगे, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसकी एक अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है। वो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं उसे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि पी क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर, ठीक है। तो जो पी और क्यू की जितना डिस्टेंस रहेगी उतनी ही डिस्टेंस क्यू और आर की रहेगी। हमें क्वेश्चन में गिवन है बोट जब पी से क्यू चलेगी और क्यू से पी चलेगी, ठीक है। जब पी से क्यू जाएगी और क्यू से पी जाएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। जब वो पी से आर तक चले जाएगी, पी से आर तक, उसे कितना टाइम लगने वाला है, 16 hours and 40 minutes, ठीक है। जब वो पी से क्यू जाएगी, दोबारा लौट के पी तक आएगी, टाइम कितना लगेगा, 12 hours। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि जब पी से क्यू तक जाएगी तो 12/2 इतने आवर्स लगेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है तो एक डायरेक्शन वो अप स्ट्रीम वाली रहेगी, एक डायरेक्शन रहेगी डाउन स्ट्रीम वाली। मान लेते हैं पी से क्यू तक डाउन स्ट्रीम है तो क्यू से पी तक जब वो आएगा तो अप स्ट्रीम रहेगी, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्या कहते हैं पी से क्यू और क्यू से पी तक आने में उसे 12 घंटे लगते हैं तो पी से क्यू तक 12/2 होगा, 6 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसे जाने में पी से आर तक 16 hours and 40 minutes लग रहा है, ठीक है, 16 hours and 40 minutes लग रहा है पी से आर तक जाने में। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो पी से क्यू तक टाइम ट्रेवल करने वाला है ये करेगा 8 hours 20 minutes में, 16 hours and 40 minutes डिवाइडेड बाय 2, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि इसकी डायरेक्शन थ्रू आउट द ट्रैवल कांस्टेंट रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि वो पी से क्यू तक चलेगा फिर पानी बोलेगा नहीं भाई तुम बहुत तेज़ी से जा रहे हो मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर डायरेक्शन हमने लेफ्ट टू राइट लिए करंट की और हम लोग पी से आर तक जा रहे हैं तो दोनों की जो डायरेक्शन रहेगी वो अगर सेम है तो
तो वो थ्रू आउट द डिस्टेंस सेम रहेगी, या फिर ये बोल दें कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो थ्रू आउट द डिस्टेंस अपोजिट रहेगी, मतलब जितना टाइम पी से आ तक ट्रैवल करने में लगेगा उससे आधा टाइम पी से क्यू तक ट्रैवल करने में लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम है। अगर 2D डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 16 hours and 40 minutes लगता है तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें लगेगा 16 hours and 40 minutes डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी से क्यू तक जाने में हमें कितना टाइम चाहिए, टाइम फ्रॉम पी टू क्यू इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम पी टू आर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? इस केस में हम लोग ये नहीं बोल सकते थे 12 डिवाइडेड बाई 2, क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन अपोजिट है स्ट्रीम के, कोई भी एक डायरेक्शन अपोजिट है। या हमें ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो क्या है, हम डायरेक्टली ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल टाइम फ्रॉम पी टू आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी टू आर 16 hours and 40 minutes, इसका आधा कितना होगा, टाइम ट्रेवल फ्रॉम पी टू आर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 hours and 40 minutes। ठीक है, हमें ये पता लग चुका है कि अगर हम P से Q तक ट्रैवल करेंगे, चाहे हम दोबारा लौट के आए चाहे हम आगे निकल जाएं, टाइम जो लगने वाला है P से Q तक वो तो कांस्टेंट ही रहेगा 8 hours and 40 minutes। क्यों? क्योंकि P से Q तक जो हमारी डायरेक्शन है इस केस में वही डायरेक्शन रहेगी। इस केस में कंडीशन चेंज होगी Q पर पहुंचने के बाद, एक की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे उसी डायरेक्शन में रहेगी, एक की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसलिए दोनों केसेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो फ्रॉम पी टू क्यू एंड रिटर्न बैक फ्रॉम क्यू टू पी, टोटल टाइम गिवन इज 12 hours। हमें पता है कि पी से क्यू तक और क्यू से पी तक आने में उसे 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर वो पी से क्यू तक जाता है तो उसे कितना टाइम लगता है, 8 hours and 40 minutes। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम पता है 12 hours, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब वो Q से P तक आएगा तो हमारे पास टाइम कितना रहेगा, 12 hours minus 8 hours and 40 minutes। ठीक है भाई, हमें टोटल डिस्टेंस पता है P से Q तक और Q से P तक हमें पता है कि टोटल टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि P से Q तक कितना टाइम लगने वाला है, तो क्या हम P में से टोटल टाइम में से P से Q तक की टाइम को माइनस कर दें तो Q से P तक का टाइम आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से टाइम फ्रॉम P टू Q, टाइम फ्रॉम Q टू P कितना है, 12 है। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया टाइम फ्रॉम P टू Q, P टू Q में 8 hours and 40 minutes लगेगा, बारह घंटे में से पी से क्यू तक जाने में। अब 12 hours and 40 minutes माइनस कर देंगे 8 hours 40 minutes, कितना हो जाएगा, 3 hours and 20 minutes, कितना हो जाएगा, 3 hours and 20 minutes। अब हमें पता लग गया है Q से P तक जाने में कितना घंटा लगने वाला है, 3 hours 20 minutes। ठीक है, कितना लगने वाला है, 3 hours 20 minutes लगने वाला है। ठीक है, टोटल हमारे पास है 16 hours and 40 minutes। क्लियर? सॉरी, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, यहाँ पे होगा 8 hours and 20 minutes। जब ये 8 hours 20 minutes होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 8 hours and 20 minutes आएगा, तो यहाँ पे 3 hours and 40 minutes आ जाएगा, 3 hours and 40 minutes। ठीक है, अब हमें पता है Q से P तक लगने वाला टाइम कितना है,
हमें क्या पूछा है, आर से लेके पी तक लगने वाला टाइम। अब पी आर से क्यू तक आए और क्यू से पी तक आए, ठीक है, तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन रहेगी ये थ्रू आउट सेम रहेगी, चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन हो या राइट डायरेक्शन हो, चाहे वो बोट को सपोर्ट करे या उसके अगेंस्ट में रहे, चाहे वो अप स्ट्रीम रहे या डाउन स्ट्रीम रहे, ठीक है। हमें पता है क्यू से पी तक लगने वाला टाइम कितना है, 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 40 मिनट मतलब 220 मिनट, टोटल टाइम कितना है 220 मिनट क्यू से पी तक। अब हमें पता है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, अगर आर से क्यू जा रहा है क्यू से पी जा रहा है, तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर वो अप स्ट्रीम में है तो आर से पी तक अप स्ट्रीम में रहेगा, अगर वो डाउन स्ट्रीम में है तो वो आर से पी तक डाउन स्ट्रीम में रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम टेकन फ्रॉम आर टू पी इज टू टाइम्स टाइम फ्रॉम क्यू टू पी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, ठीक है। यहाँ तो हम दोनों को ऐड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 220 दैट इज 440 मिनट। यहाँ हम आर में लिखे ऐसे तो 60, दैट इज 7 1/3 आर, क्लियर।